सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आसिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी डेटा ट्रांसफ़र के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्या होता है ये डेटा ट्रांसफ़र? जब हम किसी केबल के थ्रू या किसी वायरलेसली या अपने ब्लूटूथ के जरिए या हॉटस्पॉट के जरिए या किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अपना डेटा किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है और आज कैसे आप एक लाइट के जरिए अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि ऐसी केबल्स होती हैं जिनके जरिए आप बहुत ही कम समय में अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष चैनल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। फाइबर ऑप्टिकल केबल है एक पाइप की तरह होती है, जो कि पाइप की तरह एक केबल होती है जिसके अंदर तीन कोडिंग होती है। एक पहली कोड होती है, फिर दूसरी कॉइल कोड होती है और तीसरी होती है फिर जैकेट कोड होती है, जिसको पूरी तरीके से ढकी होती है। जब मान के देखिए, आप अपना डेटा किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, अगर आप अपना डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे आप तो या तो ब्लूटूथ या तो किसी सोर्स पार्टी सोर्स के ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसी केबल के बारे में सोचा है जिसमें लाइट के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र हो, वो भी बहुत ही हैवी डेटा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे अभी आप वॉइस कॉल करते हो, वो भी फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। वह कैसे होता है जानेंगे इस वीडियो में। पहले आप देखिए, डेटा समझ लीजिए, डेटा होता है पॉइंट के रूप में, 0101 या 020102 ऐसे होता है डेटा। जैसे हमने एक केबल ली, उसमें तीन कोडिंग है, मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट है कोड, दूसरी है सेकेंडरी कोड और तीसरी है थर्ड कोड, जो कि जैकेट कोड कहते हैं। जब उसमें अपने किसी आपका डेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी में है जैसे डेटा, तो उसको पहले हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइट को उस केबल के थ्रू गुजारते हैं, और जिससे वो केबल जो कि लाइट होती है वो उस केबल के अंदर zigzag रूप में आगे बढ़ती जाती है। और आप सोचेंगे ये आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि उसमें जो केबल है वो ऑप्टिकल फाइबर या ग्लास की या किसी फाइबर की बनी होती है, जिससे कि उसमें जो रिफ्लेक्शन होता रहता है लाइट का, वो zigzag रूप में चली जाती है, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र भी हो जाता है और समय की बचत होती है, और ना ही किसी चीज़ की खपत होती है, ना इसमें डेटा में जो आपका जो रोशनी है उसकी खपत हो रही है, या फिर जो आप डेटा दे रहे हैं उसमें कमी पर, माना आपने इधर 2 GB का डेटा दिया तो वहाँ पर जाके 1 GB का बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है लाइट में और फिर वहाँ पर जाके एक होता है ट्रांसफॉर्मर के, उसमें होता है एक सेंसर टाइप का लगा होता है, जो कि उस फोटो सेंसर बोलेंगे या फोटो कैप या रिकवरी बोलेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसे रिकवर करके फिर से उसे इलेक्ट्रॉन्स में बदल देगा और आपके डेटा को फिर से उस तरफ सेफली भेज देगा। तो आपने देखा होगा कभी समुद्र में मोटी मोटी लाइनें डली होती हैं जो कि पूरे इंटरनेट को संभाले होते हैं, उनके सामने सैटेलाइट्स भी कुछ नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स का डेटा सिर्फ वायरलेस नहीं जाता है, वो केबल के थ्रू जाता है। एक तो ये केबल का फ़ायदा ये है कि इससे बहुत ही शानदार डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से, और क्योंकि ये केबल बहुत ही न्यू है और इसीलिए आजकल हर जगह बड़े बड़े उद्योगों में, बड़ी बड़ी कंप्यूटरों में, बड़ी बड़ी जगहों पर कभी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी ही केबलों का यूज़ करके वहाँ इंटरनेट दिया जाता है, जिससे कभी भी उधर इंटरनेट की परेशानी नहीं हो। जैसे कि बैंकों में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ही यूज़ किया जाता है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि कभी किधर की किसी बैंक के अधिकारी के सर्वर नहीं आ रहा है, तो उसका कारण होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल हिल जाना है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ जाना है, उसे ब्रेक हो जाना, तो यही सारे प्रॉब्लम होते हैं। और मैं बता दूँ आपको, ये केबल बहुत ही कॉस्टली होती है। इसके फ़ायदे, ये तो डेटा आपका ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी जगह तक बहुत ही तेज़ी से, एक फ़ायदा। दूसरा, इससे आपका टाइम की बहुत ही बचत होती है। तीसरा फ़ायदा, आपको इससे लगाने से आपका टाइम बचेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, आप एक तो जेन्युइनली काम कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। इससे नुकसान बता दूं मैं आपको, ये तो एक कॉस्टली होती है। दूसरी चीज़, ये अगर आपको थोड़ी सी मुड़ गई या टेढ़ी वगैरह हो गई तो ये ब्रेक होने का डर हो सकता है इसका। तीसरी चीज़, इसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, एक नॉर्मल यूज़र इसे हैंडल नहीं कर सकता है, इसे हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके
घर में कभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होगा या कोई वाईफाई लगा होगा, अगर आपके यहाँ भी कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी होगी तो आपके इंटरनेट पर कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और मैं बताऊँ तो इसके अंदर अपने एक बाल, मतलब जो अपना बाल होता है उसके 10,000 यानी कि कहते हैं 10 गुना पतला वो होता है, उसमें एक बाल टाइप का ही कह सकते हैं या फिर ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं उसे, वो होते हैं। इसमें कम से कम एक जो वायर होता है उसका, जो कॉपर वायर से 10 गुना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। वो जो वायर होता है, जैसे आपके यहाँ 25,000 वॉइस कॉल हो रही है, जैसे रोज की 25,000 वॉइस कॉल हो रही है, तो एक वायर उस 25,000 वॉइस कॉल को स्टोर रख सकता है। तो सोचिए उस पूरी ऑप्टिकल फाइबर केबल में कितने ऐसे वायर्स होंगे जो कि आपके कितने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, आप सोच के देखिए कितने ऑप्टिकल फायर वो केबल्स होती हैं जो कि समुद्रों में डली रहती है, इतनी मोटी मोटी इतनी मोटी केबल्स होती है जो कि समुद्र में डली रहती हैं और वहाँ से अपने पूरी दुनिया भर का डेटा, इंटरनेट पूरी वही हैंडल करती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक जोक की, कि मम्मी अपने बेटे से कहती है कि बेटे तू बाल क्यों नहीं कटवाता, तो बेटा कहता है मम्मी इट्स अ फैशन, तो मम्मी कहते हैं अबे नालायक चला जा, आज शूट बड़ी बहन के देखने वाले आ रहे हैं, नहीं तेरे कोई पसंद ना करने। तो आपको लगता है ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे बता दीजिए कमेंट में, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।